नमस्कार, मैं हूँ रेखा पवार। मेरा चैनल चटपटा खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पुष्करा, या जिसे हम रोटी के पोहे भी कहते हैं। कई बार हमारी रोटियाँ बच जाती है, सुबह की रोटी शाम को या शाम की रोटी सुबह खाना किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन यदि उसी रोटी का उपयोग हम किसी अन्य तरीके से कर लें तो रोटियाँ वेस्ट भी नहीं होती है और सबको पसंद भी आ जाता है। तो चलिए आज हम बची हुई रोटी के पोहे बनाते हैं जो सबको बहुत पसंद आएंगे। कई लोग इसे पुष्करा भी कहते हैं, तो कई जगह इसे पुष्करा भी कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम पुष्करा। रोटी के पोहे या पुष्करा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 रोटी ली है जो बची हुई रोटी है। आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच सौंफ, एक नींबू, धनिया पत्ती, चीनी एक छोटी चम्मच, चुटकी भर हींग, 2 प्याज लिए हमने मीडियम साइज़ के, इनको बारीक काट लिया है, 3 हरी मिर्ची, इनको भी बारीक काट ली है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ी सी मीठा नीम की पत्तियाँ। छोंक लगाने के लिए तेल। पहले हम रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। हमने रोटी के छोटे टुकड़े कर लिए, अब हम इसको मिक्सी की जार में डालेंगे और इनको पीस लेंगे। हमने इस तरह से रोटी को पीस लिया है, बिल्कुल बारीक टुकड़े नहीं करने हैं हमको, इस तरह से चूरा करना है। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। और लगभग 2 बड़े चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें हींग डाल देंगे, जीरा, राई, सौंफ, और अब हम इसमें ये प्याज और हरी मिर्ची दोनों डाल देंगे। इनको चलाते रहेंगे हम इस तरह से, आंच मीडियम रखनी है हमको। अब हम इसमें नीम की पत्तियां थोड़ी इस तरह से तोड़ करके डाल देंगे, जिससे खुशबू अच्छी आएगी। प्याज का कलर चेंज होने लगा है, हमको बिल्कुल प्याज को लाल नहीं करना है। अब हम इसमें ये हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये रोटी के टुकड़े इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इनको। लाल मिर्च और धनिया पाउडर ये भी इसमें डाल देंगे, इनको मिक्स कर लेंगे फिर से। आंच हमको इस समय बिल्कुल धीमी रखनी है, वरना पुष्करा हमारा कड़क हो जाएगा। अब हम इसमें नींबू निचोड़ लेंगे। चीनी भी डाल देंगे इसमें। और हल्का सा हम इसमें पानी का छींटा मारेंगे। दो मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, पुष्करा बनकर तैयार है। पानी के छींटे डालने से पुष्करा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। गैस बंद कर देंगे। अब हम थोड़ी धनिया पत्ती डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती और डाल देंगे, थोड़ी सी सेव और प्याज डाल देंगे। तो लीजिए पुष्करा बनकर तैयार है।
तो आप भी इस तरह से पुष्करा बनाइए और सबको खिलाइए। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरा चैनल चटपटा खाना को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।